टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के 3 महीने बाद सड़क हादसे वाली जगह पर क्रैश कुशन लगा दिए ताकि उस तरह का खतरनाक रोड एक्सीडेंट किसी दूसरे शख्स की जिंदगी न छीन सके, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ठीक यही जगह साइरस मिस्त्री की मौत की वजह बनी थी। इसलिए उस हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने हाईवे पर क्रैश कुशन लगा दिया। क्रैश कुशन सड़क पर चलती गाड़ियों की टक्कर होने पर उन्हें नुकसान होने से बचाने में मदद करता है। सितंबर में गुजरात से मुंबई जाते हुए इसी हाईवे पर भयानक कार हादसे में साइरस मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। उधर हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की आग में सुलग रहे ईरान ने अपनी एक एथलीट के घर पर बुलडोजर चला दिया। खबर है कि उस एथलीट ने दक्षिण कोरिया में हुई रॉक क्लाइंबिंग की एक प्रतियोगिता में हिजाब पहने बिना हिस्सा लिया था, जिसके बाद ईरान की सरकार का पारा चढ़ गया और एथलीट का मकान ही तोड़ दिया गया। मकान इस तरह जमींदोज हो चुका था कि ऐसा लगा मानो वहां जलजला आया हो। सब कुछ बर्बाद था, मकान की एक दीवार तक नहीं बची थी। एथलीट ने अपनी मेहनत और हुनर से जो मेडल जीते थे। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो भी जमीन पर गिरे हुए नजर आए। अपने टूटे आशियाने को देखकर एथलीट का भाई भी बिलख रहा था। अक्टूबर में हुई प्रतियोगिता में एथलीट ने बिना हिजाब पहने रॉक क्लाइंबिंग की थी। दावा है कि इसी बात का एथलीट को अंजाम भुगतना पड़ा, बल्कि उसे और उसके भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि ईरान के मीडिया ने दावा किया कि एथलीट के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का उसके हिजाब पहनने या न पहनने से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो मकान ही बिना इजाजत बनवाया गया था। इस बीच लगातार 3रे दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट के साथ 62,626 पर आ गया। वहीं निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,642 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76 पैसे बढ़कर 82.61 रुपए पर बंद हुआ। इधर पटना में चलती ट्रेन से तेल चुराने का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ट्रेन बिहटा के एक तेल डिपो में जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने चलती ट्रेन से तेल की चोरी कर ली। सामने आए वीडियो में लोग हाथों में बाल्टी लिए तेल निकालते दिखे। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही चलती ट्रेन के साथ दौड़ लगाते नजर आए। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी से तेल चुरा लिया। उधर तेलुगु फिल्म हिट 2 ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म हिट 2 ने अमेरिका में $7 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 6 करोड़ रुपए की कमाई की। और इस फिल्म के क्रेज को देखते हुए बताया गया कि ये आंकड़ा $10 लाख से भी ऊपर पहुंच सकता है। फिल्म हिट 2 पूरी दुनिया में अब तक 35 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। इस बीच राजस्थान के कोटा में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे BJP के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। वो राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने इकट्ठा हुए थे। और राजस्थान सरकार के अधूरे वादों को पूरा करने का ज्ञापन राहुल गांधी को सौंपना चाहते थे। हालांकि जैसे ही उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, वो जमीन पर बैठ गए और वहीं हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ऐसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। BJP ने आरोप लगाया कि पुलिस की इस कार्रवाई से कई कार्यकर्ताओं को चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।